नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि YouTube के जो कस्टम थंबनेल है वो एनेबल कैसे करें। आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है, मुझे यहाँ पे जो थंबनेल है डिफॉल्ट थंबनेल पसंद नहीं है, तो मुझे कस्टम थंबनेल अपलोड करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सभी ऑप्शंस कहते हैं कि सेट एज थंबनेल, तो मैं मुझे कस्टम थंबनेल अपना खुद का ये जो थंबनेल है वो अपलोड करना है। पहले देखते हैं थंबनेल क्या है। मैंने YouTube में सर्च किया इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो बहुत सारे वीडियोस आए, तो यहाँ पे अलग अलग से वीडियो है, बट ये देख सकते हैं आप, ये अलग वीडियो है जो अपना वीडियो का स्क्रीनशॉट नहीं है, वो सेपरेटली अपलोड किया गया है, इसको बना के एक इमेज बना के अपलोड किया गया है। तो हम देखने वाले हैं कि ऐसे जो कस्टम थंबनेल्स है, ऐसे जो थंबनेल्स है वो कैसे बनाएं, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है उस पे क्लिक्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पहले जब इतने सारे सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो नज़र पहले ऐसे अच्छे थंबनेल्स पे जाता है, तो चांसेस है कि हम ऐसे वीडियोस को ही देखें। ये प्रूवन भी है, इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया है कि आप अगर अच्छे थंबनेल्स बनाओ तो आपका कन्वर्जन और क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। तो देखते हैं कि चैनल पे पहले इसको एनेबल कैसे करें। इसके लिए आपको यहाँ पे आपको अपने जो लोगो है इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक ऐसा YouTube सेटिंग्स करके एक चक्र मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो दूसरे एक आपके वीडियो अकाउंट सेटिंग्स में चला जाएगा। यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स, व्यू एडिशनल फीचर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये मेरा जो थंबनेल है इस वजह से नहीं है क्योंकि मैंने अकाउंट वेरीफाई नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है फिर भी आपको थंबनेल का जो एनेबल ऑप्शन है नहीं दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है कस्टम थंबनेल नॉट एनेबल। तो अगर आपने वेरीफाई किया है अकाउंट को और आपको यहाँ पे एनेबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने मोनेटाइजेशन जो है एनेबल नहीं किया है। कोई कोई लोग अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना नहीं चाहते हैं, फिर भी आप इसको एनेबल कीजिए। यहाँ पे व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग्स क्लिक करके आप वो जो प्रोसीजर है फॉलो कीजिए तो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। तो आप इंडिविजुअल वीडियो को मोनेटाइज करें या ना करें ये आपके ऊपर निर्भर है, बट अगर आपने इसको एनेबल किया तो फिर कस्टम थंबनेल एनेबल हो जाएगा। पर यहाँ पे मेरा थंबनेल एनेबल नहीं है क्योंकि मैंने अकाउंट वेरीफाई नहीं किया, तो इसके लिए मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा ये अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, कॉल मी विद एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज एंड टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड। मैं दूसरी ऑप्शन लेने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर करूँगी तो ये स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड एंटर करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। के बाद सबमिट कीजिए, तो यहाँ पे आपका अभी अकाउंट वेरीफाई हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड, तो आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अकाउंट अभी पार्टनर वेरीफाइड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो कस्टम थंबनेल्स है अभी एनेबल्ड हो चुका है, तो हम इसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट जो है वेरीफाई किया हुआ था पहले से और फिर भी आपका कस्टम थंबनेल एनेबल नहीं है, तो इसका मतलब है आपने मोनेटाइजेशन जो है एनेबल नहीं किया हुआ है। तो पहले जाके आप अपना मोनेटाइजेशन एनेबल कीजिए, फिर आपको दिखेगा कि आपका कस्टम थंबनेल ऑटोमेटिकली एनेबल हो चुका होगा। तो
तो ये था कि आप अपने अकाउंट पे कस्टम थंबनेल्स एनेबल कैसे करें। तो अभी हम अपने अकाउंट पे जाके कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने वीडियो मैनेजर पे जाके जो वीडियो पर आपको कस्टम थंबनेल चेंज करना है उसके ऊपर एडिट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद अभी आप देख सकते हैं आपको एक दूसरा ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा है कस्टम थंबनेल, इस पे क्लिक कीजिए। आप अपना जो थंबनेल आपने जो बनाया है वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और ये अभी आपको अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको इधर एक सेव चेंजेस करके ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है ताकि वो सेव हो जाए। तो आपके अभी जो से चेंजेस हैं सब सेव हो चुके हैं। तो ये आपने देखा कि आपने कस्टम थंबनेल एनेबल किया और फिर थंबनेल अपलोड किया। अगर आपको जानना है कि ये जो कस्टम थंबनेल है बिना सॉफ्टवेयर के कैसे अपलोड बनाए, तो आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा जिसपे हम दिखाने वाले हैं कि ये कस्टम थंबनेल बिना सॉफ्टवेयर के आसानी से बना सके। शुक्रिया।